Hello friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। आज भी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली थी। फेड के जो आउटकम आया था फेड मीटिंग का, इंटरेस्ट रेट जैसे थे वैसे ही रहेंगे, तो उसके वजह से यहाँ पर मार्केट में उछाल देखने को मिला, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, आज ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 14,890, ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 14,787। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ, तो शुरू में तो यहाँ पर एज पर प्लान कोई ट्रेड नहीं बनता, और जैसे ही ये टूवर्ड साउथ की तरफ आ रहा था तो एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट के पास ये सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, टूवर्ड साउथ की तरफ आया और 100 EMA के आसपास इसने सपोर्ट टेस्ट करके फिर से बाउंस बैक हुआ। तभी फर्स्ट टारगेट 14,910 ये यहाँ पर अचीव हुआ। काफ़ी देर जो अभी सपोर्ट का काम कर रहा था कुछ देर पहले, वो जाके रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये भी ब्रेक होने के बाद सेकेंड टारगेट 14,936 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास ये रेजिस्टेंस फेस किया और एंड ऑफ द डे ये जो ब्रेकआउट लेवल का हमारा लेवल था उसी के आसपास आके ये क्लोज हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 19,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। अभी कल यानी नई सीरीज शुरू हो रही है, नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है मई का, तो फ्राइडे के दिन क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। ये निफ्टी इंडेक्स का डेली का चार्ट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 100 EMA के पास सपोर्ट इसने टेस्ट किया और यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ। जब ये 100 EMA के पास आ रहा था तभी वीकली चार्ट में ये 20 EMA के पास था, तो काफ़ी सारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। सपोर्ट के बाद एक बाउंस बैक आता है, तो यहाँ पर कंटिन्यू लास्ट 6 दिन से हायर आए हायर लोस के पैटर्न बन रहे। ये पैटर्न क्या है जो अभी हमारा कोर्स जिसने किया है टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो वो इसको और अच्छी तरह से समझ पा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस हायर आए हायर लोस के पैटर्न बना रहा है। कल हमने यहाँ पर ये जो स्विंग हाई बना था लास्ट, वहाँ पर हो सकता है ये रेजिस्टेंस हर्डल फेस करे, ऐसा हम कल ऑब्जर्व कर रहे थे। तो आज यहाँ पर इसने 15,000 के जस्ट आसपास इसने हर्डल फेस किया और एक करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। अब ये सीधी ऐसे सीधे शार्प मूवमेंट नहीं दिखा था अपसाइड का, हमेशा ये ऐसे वेव में चलता है, तो हो सकता है यहाँ से ये फिर से एक बार 20 EMA का सपोर्ट टेस्ट करे और फिर बाउंस बैक दिखाए। तो जब इसका स्विंग हाई ब्रेक करेगा तब यहाँ से ओवरनाइट पोजीशन बनाना फायदेमंद साबित हो सकता है, अदरवाइज अभी वेट एंड वॉच का सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते चलते 60 मिनट के चार्ट में। 60 मिनट के चार्ट में अगर आज जहाँ से इसने एक करेक्शन दिखाया, प्रॉफिट बुकिंग दिखाया 15,000 के लेवल के आसपास से, वहाँ पर ही कुछ दिनों पहले एक स्विंग हाई बनाया था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस लेवल के आसपास अराउंड 15,019 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स कल, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,045। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,074, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल जो बन रहा है यानी अराउंड 14,835 के आसपास, देख सकते हैं यहाँ पर पास्ट में एक रेजिस्टेंस फेस किया है, तो इस लेवल को जैसे ब्रेक कर रहा है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,811, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 20 EMA जो कि अराउंड अभी 14,788 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए यानी 30 अप्रैल फ्राइडे के दिन। अभी बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अभी आज एग्जैक्ट ये जो सेकेंड टारगेट हमने कल मार्क किया था काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुआ, इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, तो सेकेंड टारगेट अचीव होने के बाद ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया और फिर से दोबारा कोशिश कर रहा था, तो ब्रेकआउट लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाया। ये एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, तो
बैंक निफ्टी में भी काफ़ी एक्यूरेट लेवल यहाँ पर साबित हुए। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको देखने के लिए 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। ये 60 मिनट का चार्ट है, सेम लेवल होगा, थोड़ा सा ऊपर इसको हम कर देते हैं, यानी अराउंड 33,989 ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल कल के लिए। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और कभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 34,089, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 34,220, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूअर्ड साउथ की तरफ आता है तो यहाँ पर ये जो आज का लोएस्ट क्लोज है उसके तुरंत नीचे ये 20 EMA का सपोर्ट लेवल है, तो कम्प्लीटली इस लेवल को ब्रेक हो जाने दीजिए। ये देखिए यहाँ पर एक पास्ट का स्विंग हाई भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एज ए रेजिस्टेंस, हो सकता है अभी सपोर्ट का काम करें। तो 33,250 ये अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और कभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 33,155, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 33,118, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।